हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया रुदू। और चलो लोग शुरू करते हैं। पापा एक बात बोलूं? बोलो। मुझे अपना फोन दे दो। हेलो दोस्तों, रेको नहीं कप, अब चलो मम को लेके आते। ये नए क्या बोलते हैं इसको यार, इसको क्या बोलते हैं, फ्राई पैन। ये देखो नए बर्तन में बन रही है चाय, और मैंने सोचा यार सब मेहमान आएंगे, मेहमान आने से पहले हम ही जरा इनको यूज कर लेते हैं। बचपन में याद है मुझे, जब भी मेहमान आते थे घर में या कुछ भी फंक्शन होता था तो नए कप हम निकालते थे, कांच के गिलास हो या कोई भी कप हो, और फिर बड़ा मजा आता था। अब मेहमान पता नहीं कब आएंगे तो हमने सोचा कि हम ही पहले इन कपों को यूज कर लेते हैं। और वाह, क्या होता था बचपन में, कब खुलते थे नए कप? जब मेहमान आते थे। बस 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 इतने ही, हम तीन चार ही हैं। पापा आज मैं भी पीऊंगा चाय। ये ट्रे मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लाजपत नगर से लाया, तो इसमें पियेंगे हम चाय। आशिल रख। अरे ये क्या बन रहा है? मेथी की सब्जी। आप खाओगे मेथी की सब्जी? जिससे चाय छानते हैं, ये भी नया है और ये भी नया है। चाय नहीं है क्या? चाय भी नहीं है, अभी बनाई है। मम्मी, चाय में भी कुछ भी खाएंगे क्या? मैं तो खा रहा हूँ। पापा बहुत अच्छा लग रहा है। तोड़ना मत कप, वरना अमिताभ बच्चन जी गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे कप क्यों तोड़ दिए। यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर कबूतर ही बैठे होते हैं। नए कप में चाय पीने का अलग ही मजा होता है, क्यों दोस्तों, है ना? हाँ। मुझे भी तो बिस्किट। तुमने चाय कैसी बनाई है यार? ये कैसी अजीब हो रही है। अजीब हो रही है तो ब्राउन शुगर की चाय है वो। फीकी फीकी सी। बुल्लू को भी दो। मेरा बच्चा गरम हो रहा है। आज खाने में क्या बनाओ रात को? तो अभी मेथी काट तो रही थी। मेथी तो मैं सुबह के लिए बना रही थी ना, साफ कर रही थी। बताओ क्या बनाओ? कुछ भी बना दे यार। क्या खाने का मन कर रहा है? कुछ भी। मतलब पुराना कप होता तब नहीं पीते चाय? पीता हूँ ठीक है, नहीं पीते मैं तब। पापा एक बात बोलूं? नहीं मत बोल। मोबाइल नहीं। हाँ। जब मैं अकेला रहता था ना रूम पे, तब मैं मेथी के पराठे बहुत बनाता था, 10-12। आपकी बात करो, पहले की बात मत करो ठीक है? अभी अकेला रहता ना, अभी दुकेला रहता हूँ, दुकेला। हाँ तो कभी बीबी को भी खिला दिया करो अपने हाथ के बनाए हुए पराठे। आंखों में डूब जाने को। डूबने के लिए नहीं बोला मैंने। दिल बेकरार रहता है। दिल बेकरार मत करो और पराठे बनाने खिला देना। हम खाएंगे कल मेथी के पराठे और पतिदेव मारते हैं रात को खराटे। बहुत ज्यादा खराटे। मैं नहीं मारता हूँ, जस्ट मारते हो ऐसे बोल दिया। मारते हो? सच बता, मैं खराटे मारता हूँ। हाँ भाई मारते हो तो एक काम करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, आप यूट्यूब पे डालोगे क्या? मैं डाल दूंगा। ठीक है, रोज मारता हूँ खराटे। हाँ। सच बता यार, मजाक मत कर। अरे हाँ हाँ यार मारते हो। कैसे बता? कैसे बता तो रही हूँ दोस्तों। रात के बज रहे हैं 8 और रुदू ने पढ़ाई भी कर ली है। पापा मैंने भी सीडी लिख दिया, हम नहीं पढ़ूंगा। अरे पढ़ो, आराम करने दे दोस्तों। पालक पनीर अभी बन रहा है, काफी सारा पनीर है। और ये चावल, मैंने इसको बोला था कि रात में चावल मत बनाओ मत बनाओ, फिर भी ये चावल बना रही है। और मेरा पेटुलू जो है ना, पेटुलू देखो ये कार्टून तक मोटा लग रहा है मेरे पेट पे। कम खाया करो ना। क्यों खाते रहते इतना सारा चावल? मुझे पसंद है, रात में थोड़ा सा अवॉइड करना होगा मुझे। मैंने अभी अभी बनाया, ताजा ताजा बनाया ठीक है, मैंने बासी नहीं खिलाई आपको। क्या हुआ? क्या तुम लोगों का ये ड्रामा हमेशा रहता है, मतलब ना यहाँ लगी वहाँ लगी? पता क्या करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर ही घूमते रहते हैं, आगे पीछे रहेंगे यार। आएंगे ना वो तो, है ना, आएंगे वो तो। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, ऐ दिल लाया है बहार अपने का प्यार, क्या कहना मिले हम
छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना खिल खिल चेहरों से घर ये मेरा खिल गुलजार, क्या कहना। हटो तो हटो। हेलो रोतो, मेरा मामा ऑफिस से आ गया, जरा मिलवा दो। मामा आप आ रहा था, मुझे सच करना है। अच्छा आ जाओ, चल ले। आज बना है पालक भात, हम खाएंगे एक साथ, कैसा लग रहा है मेरी बीबी बता दो मुझको। ओए अंडा। कोई बात नहीं, आप इधर बैठो पहले। कल मैंने ना रॉन्ग टर्न मूवी देखी थी, जो नई आ रखी है, अच्छी है। मतलब पहले रॉन्ग टर्न जैसी नहीं है, वो कुछ डिफरेंट ही है। मम्मी ये क्या बना रही है, ये तो मैं नहीं खाता। अरे वो पालक पनीर है, वो ऐसे नहीं बोलते। अरे मेरे भी लग डर है। गर्मू है, गर्मू नहीं। अरे वाह, आज बना है पालक भात, हम खाएंगे एक साथ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पुलिस ने मारा गप्पा। गुड्डू गुड्डू दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा गोवा में कितना खर्चा हुआ था, तो मेरे पति जो है वो आपको बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ था। yes. दोस्तों यहाँ पर मैं कपड़े खरीदे, जो हमने जो खाना खाया उसका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, तो डिपेंड करता है कि आप पे। तो हम दिल्ली से जो गोवा गए थे, हम बाय ट्रेन गए थे। पहले हम मुंबई गए थे, फिर मुंबई से गोवा। तो हमारा आया था दिल्ली से मुंबई 5000 ट्रेन में, मेरा राशि का बच्चों का ट्रेन में फ्री होता है। और फिर मुंबई से हम गोवा गए थे ना ट्रेन में, तो वो भी हमारा 5000 आया था एसी वाली ट्रेन में। तो टोटल 10000 है ना दिल्ली से गोवा। फिर हमारा जैसे गोवा में हम पहुंचे ना, तो हमारा कोविड टेस्ट हुआ था, तो उसमें लगे थे एक बंदे के 270 रुपए, सो 540 है ना, 540। गोवा स्टेशन से हम होटल के, दोस्तों स्टेशन से जो हम होटल के लिए पहुंचे थे ना, तो टैक्सी वाले ने हमसे लिए थे 1100 रुपये। और हम रुके थे 4 दिन होटल बीच क्वीन में, और वहां पर एक दिन का था 1500, तो लगा लो 6000 हो गया 4 दिन का। और एक दिन हम रुके थे होटल MR मैनफ्रेड में, जहां पर एक दिन का 2500 रुपये था, एक ही दिन रुके थे हम। देवांशी बोलने दो ना, देवांशी देखो, होटल MR मैनफ्रेड में हमने खाना खाया था 5 दिन, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया बनाता है। आप किसी भी और होटल में रह रहे हो ना, आप होटल MR मैनफ्रेड में जा सकते हो खाना खाने के लिए, और सुबह का खाना तो वहाँ पर अनलिमिटेड है 150 रुपए में। ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, हमने गोवा में वाटर स्पोर्ट्स किए थे, तो 1300 राशि का लगा था, 1300 मेरा, तो 2600 रुपये हो गया। और गोवा से हम जब एयरपोर्ट आए थे दिल्ली के लिए, तो टैक्सी वाले भैया ने हमसे 1200 रुपये लिए थे। और फिर हम, देवांशी रो रही है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जब हम बाई फ्लाइट हम आए थे, प्लेन से हम लोग आए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा लगा था 17000 रुपये हम चारों का, मेरा राशि का और रुद्रांश का फुल टिकट लगा था भाई, और देवांशी का 20%, तो इसीलिए 17000। तो टोटल हमारा आ गया था 40940, और इसमें मैंने फूड इंक्लूड नहीं किया। देखो फूड डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो, कहाँ कहाँ खाते हो। देखो मैं बहुत फूडी हूँ, तो मेरा एक दिन का 1400 रुपये लग गया था आई थिंक, मेरा राशि देवांशी रुद्रांश सबका ना, मैं अलग अलग चीज़ें मंगाता था। सो फिर आप ऐड कर लेना इस हिसाब से, बस यही है कि 40000 तक का हमारा आ गया था, और बाकी सब बढ़िया रहा। हमने बहुत इन्जॉय किया, कुछ कपड़े भी खरीदे और डांस भी किया। और देवांशी ना मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रही है, अभी इसको हमने एप्पल दे दिया। छुपा रही हो। सो कैसा रहा आपका गोवा में? बहुत अच्छा। क्या क्या किया था आपने? गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया रुदु। आपको कल मिलेंगे अपना क्या लगना, बाय डब्ल्यू। और लाइक और सब्सक्राइब, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर शेयर भी। ठीक है मैं कर दूंगी, ठीक है कर दे।